हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नैरा ब्लॉग आप लोग को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज है होलिका दहन। आप सभी को हमारी ओर से होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको, आपके पूरे परिवार को। सो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। और नैरा भी यहाँ है। नैरा हाई कर दो। सो दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आज होलिका दहन की तैयारी किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर ही भाभी जो प्याज काट रहे हैं, इन्हें देख। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं प्याज काट रही हूँ। और आज सभी तैयारी किया जा रहा है। यह देखिए, यहाँ पर मम्मी जी हैं, इनकी प्याजू काट रहे हैं। और इधर संजली भाभी है बैठे हुए हैं। और इधर बड़ी भाभी जो मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए अभी पानी गर्म कर रहे हैं, यानी कि आलू उबाल रहे हैं। ठीक है, अभी आलू उबाल रहे हैं ताकि वो ब्रेड पकौड़ा बनेगा। और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, भैया भी है पासी में। देखिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप लोगों को होलिका दहन का हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए, होलिका दहन की तैयारी चल रहा है, जैसे कि फुलौड़ी कचौड़ी सभी बनेगा। और हम लोग को एक दुख की बात है कि हमारे भैया तमिलनाडु में है, और वो भी तमिलनाडु में तिरुपुर में फंसे हुए हैं। तो बात किए थे हम लोग, लेकिन वो लोग अच्छे से हैं। तो हम लोग फोन किए थे तो उनको बोल दिए कि अभी परेशानी नहीं है उतना। हम तो तामिल वाला से बात, क्योंकि हम भी तमिलनाडु में रहे 12 साल, तो तामिल वाला से कुछ लोगों से संपर्क है। तो बात किए थे, बोला ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं पे ऐसा हुआ था कांड, जो कि अभी मामला शांत हो रहा है। ये आप लोग को तो पता ही होगा कि अभी क्या प्रॉब्लम है। बराबर न्यूज में आ ही रहा है, आप लोग भी जानते हैं कितना परेशानी हो रहा है। और होली की वजह से और भी ट्रेन में परेशानी है। तो भैया बोले कि अभी नहीं आ पाऊंगा और होली के बाद। तो भाभी भी चिंतित है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, उतना परेशानी की बात नहीं है, आप लोग निश्चिंत से रहिए। वो लोग बढ़िया से काम कर रहे हैं, लेकिन वो होली के बाद आ जाएंगे। जब आएंगे तो आप लोग को वीडियो में भैया को जरूर दिखाएंगे। अभी वो भैया तो वीडियो में कभी आए नहीं, और हम आए तो हम आ रहे हैं, और भैया आएंगे तो उनको भी हम वीडियो में जरूर लाएंगे। पापा भी यही है, बगल में बैठे हुए हैं, देख सकते हो दोस्तों। भैया देखिए, नैरा भी है, नाभिया भी आ गई। नाभिया हाय बोल दो। तब होली मनाओगी ना? मेरा कैसे मनाओगी होली? एकदम मस्ती में पूरा भोरे से रंग लगा रही है कि नहीं? काली हंस रही है, देखो दोस्तों। और इधर देखिए, भाभी जो है यानी कि सगा प्याज काट रहे हैं। और इधर हाय बोल दो, हाय यार। और देखिए यहाँ पर ही देखिए, भाभी यानी कि सगा प्याज काट रहे हैं, मार्केट से लाए थे। यहाँ पर ही देखिए भरा हुआ है। ये देखिए, ये सगा प्याज है, भर लिया है और इतना कट चुका है, तो अभी पकौड़ी बनेगा। और इधर देखिए, छोटी जो है यानी कि मिर्ची काट रही है। और इधर सभी कोई यहाँ पर बैठी है, नैरा सब कि वेट कर रही है कि कब बनेगा तो खाएंगे ना। नैरा कचौड़ी खाएगी ना? पकौड़ी नहीं खाएगी? आलू जो है यानी कि उबला गया है। और इधर मम्मी आई है छिलने के लिए, और छोटी बहन भी है, और नैरा भी साथ में आई है, है ना नैरा? क्या कर रही हो बता दो तो। आलू छिल रही है। आलू छिल रही है, और अभी हम भी जाते हैं आलू छिलने के लिए। और नाभिया सब सभी आई है, देखिए नायरा मोहनी भी है। इधर बोल दो हाय ना मोहनी। हाय। इधर देख लो, इधर इधर बोली हाय कर दो। हाँ। और छोटा वाला को क्या देखिए, क्या बनेगा? आलू को पकौड़ा नहीं, आलू चोप बनेगा ना, पकौड़ा आलू चोप। और देखिये ये छोटा वाला क्या कर रहा है, खरगोश पकड़ने के आया। देखिये देखिए, देखिए अब डाल चुके हैं इसमें, दो दो कढ़ाई चढ़ाए कि जल्दी हो जाएगा। और देखिए गाइस, यहाँ पर ही सारा चीज मिक्स हो चुका है। ये देखिए, ये कच्चा बूट है, और ये मटर है, ये मटर का कचौड़ी बनेगा, और ये कच्चा बूट का। और इधर देख सकते हो क्या क्या है, ब्रेड पकौड़ा, यानी कि ब्रेड पकौड़ा इधर बनने के लिए तैयार हो गया। सारा चीज तैयार हो चुका है, सो गाइस देख सकते हो। और अभी जा रहे हैं, ये देखिए बारी बारी दोनों में डाल। देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें भी डाल रही हूँ, अभी दो दो कढ़ाई चढ़ा हुआ है, दोनों में बन रहा है। दो अच्छिया चूल्हा है ना, तो ऐसे एक बेस्ट में चला जाएगा, एक सोचे में जल्दी से बन जाएगा। इसमें हाँ
और देखिए हो गया, और कैसा लग रहा है देखने में, देखिए दोस्तों, और सिज भी गया पकौड़ी देखिए। और इधर देखिए दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ, और भैया भी पाइप बनाने में लगे हुए हैं, मोटर का पाइप है, ये बार बार खराबी हो जाता है, पाइप पुराना हो गया ना इसीलिए फट जाता है, हर बार बनाते हैं, कहीं ना पड़ता है, टंकी है नहीं हमारे पास, तो पाइप से ही मतलब मोटर चालू करके पानी उनी भरते हैं, क्योंकि टंकी है नहीं अभी, अंदर में डब्बा है उसी को भरा जाता है, तो पुराना हो गया पाइप तो ये फटने लगा है, फिर नया पाइप लाना पड़ेगा। देखिए किस तरह से यहाँ बांध दिए हैं अच्छी तरह से, ये देखिए दोस्तों, और अभी यानी कि ब्रेड वाला बनने जा रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, और इतना ब्रेड कट चुका है देखिए, और उधर अभी बेसन में डालकर, ये देखिए इस तरह से डाले हैं, और जो कचौरी था वो बन के रेडी हो चुका है, वहाँ पर ही देख सकते हो, ये देखिए दोस्तों, यानी कि बन चुका है, और अभी बचा है यानी कि ब्रेड, तो ये भी पूरा बन जाएगा, तो देख सकते हो। पकौड़े तक तैयार हो चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यह ब्रेड पकौड़ा हो गया, और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये यानी कि प्याजू है, प्याज का पकौड़े, और इधर देखिए, और ये देखिए आलू चोप है, ये इधर आलू चोप हो गया, और यह मटर का, यानी कि मटर का दोनों मिक्स करके बनाए हैं, तो सारा अभी तैयार हो चुका, और अभी हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, तो अभी निकाल लेते हैं भाभी जी, और चलते हैं छत पे खाएंगे आराम से, और नायरा भी खाएगी, नायरा फिलहाल अभी शायद छत पे गई है, सो गई है, नायरा थोड़ी ना खाएगी, तो नायरा भी सो गई है, क्योंकि वो शायद खा ली होगी इसीलिए, और तो नाभिया सभी अभी उधर खेलने में लगी हुई है, सो अभी फिलहाल अभी निकाल लेते हैं और चलते हैं खाने के लिए, देखते हैं स्वाद कैसा है। दोस्तों अभी फिलहाल अभी हम लोग निकाल चुके हैं, देख सकते हो, और अभी हम लोग जाते हैं खाने के लिए, और देखिए सभी मिलके आ गए खाने के लिए, और इधर भैया भी बैठे हैं यानी कि खा रहे हैं, और इधर मोहनी साथ में है, खाएगी नहीं मोहनी, बहुत टेस्ट लग रहा है खाने में, बहुत ही मजा आ रहा है, अभी तुम्हें खाया नहीं, काफ़ी मज़ा आ रहा है खाने में, बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, अगर आप लोग भी खाए होंगे तो आप कमेंट जरूर करेंगे, और आप लोग क्या क्या चीज़ का पकौड़े खाएं वो भी कमेंट करेंगे, आलू चोप है, हमको तो आलू चोप बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत दिन से आलू चोप खाता हूँ, आलू चोप बनवाता भी हूँ, ये देखिए आलू चोप है, और मेरे को मटर वाला ज़्यादा पसंद आता है, ये देखिए ब्रेड पकौड़ा है, ये भी बहुत ही मजा आता है खाने में, ने देखा हमारा खाना पीना हो चुका है दोस्तों, और काफी मजा आया खाने में, क्या क्या चीज का पकौड़े थे यानी कि ब्रेड पकौड़े, और फिर आलू चॉप, उसके बाद मटर के पकौड़े, चने के पकौड़े, काफी मजा आया खाने में, और भाभी तो अभी फिलहाल नीचे चली गई, और हम अभी खाना पीना हो चुका है, तो अभी हमें चलते हैं अगजे के, यानी कि शाम होने के बाद, यानी कि काफ़ी रात होने के बाद हम लोग जाएंगे अगजे में अगजा लेकर, तो यहाँ का परंपरा होता है कि यहाँ मतलब कि जो भी हो नेवाड़ी या गोईठा और जो फुलौरी बने हैं ना उसको भी ले जाने का, तो फिलहाल अभी वीडियो में बने रहे, हम लोग अभी ले जाएंगे शाम को, काफ़ी रात हो जाएगा, तो चलिए चलते हैं दोस्तों, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं यानी कि अगजा लेकर, वहाँ पर ही जाकर धर देंगे, और भैया भी साथ में जा रहे हैं, देखिए अभी रात हो चुका है, तो रात में ही अगजा जलता है, जो होलिका दहन होता है उसका नियम का पालन करना पड़ता है दोस्तों, तो यही ले जा रहे हैं पुआल, और वहाँ रख देंगे, काफी रात हो चुका रात है, में जलेगा 1-12 बजे के बाद से, तो फिर देखिएगा, तो चलिए अभी चलते हैं, ये देखिए दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, और देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर अगजा जो है यानी कि जमा हो चुका, और ये जलाया जाएगा, और इसी से अगजा मनाया जाएगा हमारे यहाँ,
देख सकते हो और किस तरह जलता है जो आप लोग को दिखाया जाएगा दोस्तों, और वो भी आपको दिखाया जाएगा। बट देखिए नेग रहता है गांव में जो पुआ फुलौड़ी सब रखा जो भी बनता है, यानी कि जो भी यहां पर धरा जाता है और जलाया जाता है, मनाया जाता है, आप लोग देखिएगा। और इधर देखिए डीजे वीजे सब लाया, लोग नाचेगा डांस करेगा। और देखिए यहाँ पर ही बॉक्स वॉक्स ले आए हैं और यही बजाएंगे और डांस करेंगे, और सभी यहाँ पर ही आए हुए हैं। और इधर देखिए हमारा दोस्त है, मिस्टर भाई है, या संजय भी आया है। इसका भी एक चैनल है, क्या चैनल है भाई बता दो। जीके जीएस, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके दोस्तों, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें इसका चैनल को, ताकि मोनेटाइज हो जल्दी। सो दोस्तों देख सकते हो, और इसी तरह से हमारे यहाँ यानी कि होलिका दहन मनाए जाते हैं, इस तरह आग जलाकर। अभी हम लोग घर आ गए हैं और भैया भी आए थे, भैया नीचे घर यानी कि सो गए हैं, और काफी रात होने के कारण अभी हम घर पे आ गए हैं। तो आपने देखा कि होलिका दहन हम लोग किस तरह मनाए दोस्तों, और काफी रात होने के कारण अभी हम लोग को नींद आ रहा है। तो अभी हम लोग का खाना पीना हो चुका है और हम जा रहे हैं सोने के लिए। सो देख सकते हो हमारा बेड इस प्रकार है, और बेड यानी कि बेटा बस मच्छरदानी लगाना है, उसके बाद हम लोग सोएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। बस आप लोग को सपोर्ट रहेगा दोस्तों, और आप लोग सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों।